राजस्थान में चुनावी माहौल उफान पर है और ऐसे में हम अगर सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं करें तो बेमानी होगी, क्योंकि कांग्रेस जो सत्तारूढ़ कांग्रेस है वो फिर से सत्तासीन होने का दावा भर रही है। चर्चा अगर हम सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की करें तो यहाँ पर जो लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है, इस बार कांग्रेस ने अपने युवा और जोशीले चेहरे पुष्पेंद्र भारद्वाज पर दोबारा दांव खेला है। खुद पुष्पेंद्र भारद्वाज हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार इस चुनौती को किस तरह लेते हैं। देखिए, चुनौती को हमने बहुत मजबूत तरीके से लिया है और उसी का नतीजा है कि आज हम जीत की तरफ अग्रसर हैं। पूरे 5 साल हमने यहाँ सांगानेर की जनता को समर्पित भाव से काम करते हुए दिए हैं और माननीय अशोक गहलोत जी की जो योजनाएं हैं, जो वो कहते हैं कि आप काम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं करते करते नहीं थकूँगा, उनके शब्दों का हमने भरपूर उपयोग लिया है और सांगानेर की धरा पर जो 20 साल से लगातार विधायक बन रहे थे, बीजेपी के मंत्री भी रहे लेकिन काम कुछ नहीं कर पाए, उनको हमने एहसास करा दिया कि काम करने से जनता उनके हारे हुए व्यक्ति के साथ भी हो जाती है और बिना किसी पद पे रहते हुए आज सांगानेर विकास की दृष्टि में आगे बढ़ता जा रहा है। आपने चारों तरफ देखा होगा कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, सिटी पार्क, जयपुर चौपाटी, 18 इंग्लिश मीडियम के मॉडल स्कूल, 4-4 गवर्नमेंट कॉलेज, शिक्षा मंत्री रहे थे बीजेपी के, एक कॉलेज नहीं खुलवा पाए थे, सेटेलाइट हॉस्पिटल, आयुर्वेद का 50 बेड का हॉस्पिटल, चारों तरफ सड़कों का जाल, बिसलपुर की लाइनों का जाल, सिविल लाइनों का जाल, अभूतपूर्व कार्य जो हम कह सकते हैं। तिवारी जी ने पिछली बार तो नई पार्टी बना ली थी इसलिए वोट कट गए थे कहीं कहीं बीजेपी के, और संघ की लॉबी का सबसे ज़्यादा असर है इस सीट पर, तो किस बार लेते हैं इस चुनौती को, इस बार ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए, सब लॉबियाँ फेल हो जाती है जब जनता लॉबी बनाती है, और मेरा चुनाव जनता का चुनाव है। अगर जनता जनार्दन मनन करेगी, पुष्पेंद्र भारद्वाज ने पूरी ईमानदारी से पूरे 5 साल बिना पद पे रहते हुए उनकी सेवा की है, कोरोना जितना जैसी महामारी के अंदर भी अपने घर परिवार की परवाह किए बगैर उनकी सेवा की है, सांगानेर को विकास की नई ऊंचाइयां ले जाने में आज सांगानेर को अग्रणी विधानसभा बनाया है, तो सांगानेर की जनता ऐतिहासिक वोटों से जिताएगी। मतलब कुल मिलाकर आप इतिहास जो बदल देंगे? निश्चित तौर पर इतिहास, इतिहास रचने वाले हैं। क्या जनाधार रहेगा आपके जो जीत का? जनाधार आम जनता है। 5 साल 365 दिन, होली हो, दिवाली हो, सर्दी हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, ये जनसेवा कार्यालय जनता की सेवा में थमा नहीं है, रुका नहीं है। लोग कह रहे हैं अभी कि उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन कर दिया, आप कब करोगे? तो लोगों को मैं कहता हूँ, ये जनसेवा कार्यालय का उद्घाटन हमने तो पिछली बार जब चुनाव आ रहे थे उसके 3 दिन बाद ही कर दिया था, जो आज तक चला आ रहा है, और ये 5 साल तक चला है और आगे 5-10 साल तक जब तक जनता आशीर्वाद देती रहेगी तब तक चलता रहेगा। ओवरऑल अपनी पार्टी के लिए क्या कहेंगे, फिर से सरकार में आने का दावा कर रहे हैं? माननीय अशोक गहलोत जी ने अभूतपूर्व योजनाएं दी है, प्रत्येक वर्ग को उन्होंने खुश किया है, और अब जो 7 गारंटी दी है उन्होंने, वो गारंटियाँ अभूतपूर्व है, और माननीय अशोक गहलोत जी के चेहरे के साथ हम वापस सत्ता में आएंगे। तो ये थे पुष्पेंद्र भारद्वाज जो सांगानेर से फिर से जीत का बिगुल बजाने का दावा कर रहे हैं और इतिहास को, यहाँ के जो सीट का इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह दबदबा रहा है, उसको बदलने का दावा कर रहे हैं। कैमरामैन अंशुल और संदीप के साथ विजय वर्मा, जनता दरबार।